हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम दो यूनिट का टेस्ट कर चुके हैं, यूनिट वन और यूनिट टू SST का, और आज यूनिट थ्री का टेस्ट है। सभी तैयारी करके आए हैं, सभी लोग जुट जाएं, पेन कॉपी जो है वो ले लें, फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, चार ऑप्शन देखेंगे और फिर जो है आप लिखते जाएंगे कि हमने क्वेश्चन वन का कौन सा ऑप्शन जो है वो लगाया है। अंत में सभी काउंट करके और आप कमेंट में बताएंगे। यूनिट टू में सभी के लगभग जो है 37, 38, 39, 40 में से 40, 40 क्वेश्चन मैंने पूछे थे यूनिट टू में, तो लगभग सभी के आए हैं। इसका मतलब तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इधर उधर नहीं भटकना है, ना ही कोई और बुक जो है नई उठानी है, पुराना जो कुछ है उसी को रिवाइज करते चलें। तो इससे जो है आपकी सारी यूनिट कवर हो जाएंगी। जो भी टॉपिक है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये भी आपको बता दिया जा रहा है। तो इतना अच्छा जो है तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो आपको लर्न विद दितिमन पर ही आपको बताई जा रही है, जो भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी यूनिट जो है वो आप कवर कर लेंगे। आज के क्वेश्चन जो है RBSE और NCERT दोनों के मिलाकर मैं लेकर आई हूँ, 40 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जिसने RBSE के चैप्टर पढ़े हैं वो भी ये जान लेगा कि NCERT की बुक हमने पढ़ ली है, ऐसा ही हमको समझना है। ठीक है, और जिसने NCERT पढ़ी है तो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1857 की क्रांति जो RBSE की बुक में है वही NCERT की में। मैंने सभी बुक जो है वो बहुत अच्छे से रीड की हैं, तभी मैं आपको इस चीज़ को बता रही हूँ। एक अलग से चीज़ करनी थी राजस्थान का GK, वो भी मैंने आपको नई बुक से करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन आंसर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और इतना ज़्यादा फायदा आपका कोई भी नहीं दिलाने वाला। क्वेश्चन वन देखें फटाफट से। प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? दिल्ली, जयपुर, बम्बई या कोलकाता? तो सोचिए फटाफट से इसका आंसर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन वन का वो है बम्बई। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में बम्बई में की गई थी। ठीक है, और ये जो प्रार्थना समाज था इसने महिला शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया था। नेक्स्ट देखें, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है, ये NCERT की बुक में भी है, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है गीतावली, विनय पत्रिका, पदावली और ब्रजराज। तो देखिए RBSE में भी ये क्वेश्चन है, ये लाइन है मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं, और NCERT में भी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आप लगाइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर जो है वो बताऊंगी। इसका सही आंसर रहेगा पदावली। नेक्स्ट देखें, कौन सा सुमेलित नहीं है? बंगाल विभाजन 1906 में, मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, भगत सिंह को फांसी 1931 में। बिल्कुल RBSE की बुक में आपने ये पढ़ा है, आप पढ़कर आए हो, चैप्टर आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए हैं। ठीक है, जो जो भी आप मैं आपको करवाती हूँ, चाहे वो यूट्यूब पर करवाऊँ, चाहे आप PDF फाइल से याद कर रहे हो, यूट्यूब पर जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वही PDF फॉर्मेट में आपको मिल रहे हैं। तो ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं वो आपको पता है। ठीक है, NCERT में भी यही चीज है और RBSE में भी यही चीज है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बच्चों के ये टेंशन है कि हम RBSE की ही करे जा रहे हैं, NCERT हमने नहीं पढ़ी। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या रहेगा सही आंसर? तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बंगाल विभाजन 1906 में। ठीक है, ये गलत है क्योंकि बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, वो भी आप याद कर लें कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी, गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, और भगत सिंह को फांसी जो है वो 1931 में हुई थी। होम रूल की स्थापना किसने की? होम रूल की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल या दादा भाई नौरोजी? होम रूल की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल या दादा भाई नौरोजी? तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो फटाफट से लगाइए, 40 क्वेश्चन करेंगे हम। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कौन सा कथन सही नहीं है?
श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में सावरकर की सहायता की थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग हिंदी में लिखी। ब्रिटिश संसद में 1858 में कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन लिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ। तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर क्वेश्चन 5 का? इनमें से कौन सी एक लाइन सही नहीं है, यानी कि तीन लाइनें जो हैं वो सही हैं। तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में वीर सावरकर की जो है सहायता की थी। ठीक है, सी है ब्रिटिश संसद में 1858 में कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए थे। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन के पास सारे अधिकार चले गए थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ था। तो यहाँ पर जो बी है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो सही है लेकिन हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती में लिखी थी। भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो सोचिए इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा। तो क्या रहेगा सही आंसर? बिल्कुल सही आंसर रहेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 71 प्रतिनिधि, 70 प्रतिनिधि, 73 प्रतिनिधि या 72 प्रतिनिधि? तो ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाया है क्वेश्चन, और आपकी आरबीएससी में भी यही दिया हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम उनके प्रयासों से हुई थी। ठीक है, एओ ह्यूम जो है वो अध्यक्ष कभी नहीं रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? यहाँ सही आंसर रहेगा 72 प्रतिनिधि। चलिए, मेवाड़ के तीसरे साके के समय आक्रमण किस मुगल बादशाह ने किया? मेवाड़ का जो तीसरा साका हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था जिसने आक्रमण किया? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? मेवाड़ के तीसरे साके के समय आक्रमण किस मुगल बादशाह ने किया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा अकबर। ठीक है, याद रखें। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कब किया? क्वेश्चन 9 का, अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कब किया? 1505 ईस्वी में केरल में, 1639 दिल्ली में, 1644 मद्रास में, 1644 बंगाल में। तो सोचिए, हर एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो चलिए अब देखिए, क्या आपने ऑप्शन सी को लगाया, 1644 मद्रास। अकबर ने जोधपुर का सूबेदार 1572 में किस शासक को बनाया? राय सिंह को, मान सिंह को, मोटा राजा उदय सिंह को और राम सिंह को? तो बताइए, अकबर ने जोधपुर का सूबेदार 1572 में किस शासक को बनाया था? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन 10 का, बिल्कुल बीकानेर के राय सिंह को। नेक्स्ट देखें 11, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ की? तो किसने की सत्यार्थ प्रकाश की रचना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब और कहाँ? 1873 में अजमेर में, 1874 में उदयपुर में, 1880 में भीलवाड़ा, 1883 में जयपुर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में अजमेर भी आए थे, उदयपुर भी आए थे। ठीक है,
तो क्या रहेगा सही आंसर? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ की थी? तो सही आंसर जो रहेगा क्वेश्चन 11 का, वो देखिए आप, बी है 1874 में उदयपुर में। ठीक है, एक और आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, रामानंद। तो कौन रहे जिन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाया, जिन्होंने बहुत सारे जो है कीर्तन किए? तो क्या रहेगा क्वेश्चन 12 का सही आंसर? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो हल कर पा रहे हो, सही उत्तर दे रहे हो। ठीक है, तो अब जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि हमने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तब भी हम इनके जो है क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं उन्हीं आरबीएससी की बुक्स के चैप्टर से। तो आरबीएससी की बुक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सही आंसर है चैतन्य। निम्न में से शंकराचार्य ने कौन सा मठ स्थापित नहीं किया? बद्रीनाथ उत्तर भारत में, पूरी पूर्वी भारत में, द्वारिका पश्चिम भारत में, और इनमें से कोई नहीं। तो शंकराचार्य ने चार मठ स्थापित किए थे, इनमें से कौन सा मठ स्थापित नहीं किया? तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या रहेगा? तो देखिए यहां पर ए बी सी तीनों ही सही हैं और चौथा था इसका श्रृंगेरी दक्षिण भारत में। ठीक है, बद्रीनाथ उत्तर भारत में, पूरी पूर्वी भारत में, द्वारिका पश्चिमी भारत में, और एक और था श्रृंगेरी दक्षिण भारत में। चार मठ शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो यहां पर इनमें से कोई नहीं, ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। जोरावर सिंह बारहट ने किस वायसराय पर बम फेंका? लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, जनरल डायर और लॉर्ड डलहौजी। तो जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट, इन तीनों को जो है वो आप याद करके जाएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन आपके आएगा। तो आरबीएससी की बुक में राजस्थान का जीके इंक्लूड है तो वहां पर ये क्वेश्चन है। राजस्थान के जीके की जो बुक है हमारा राजस्थान की, वहां पर भी है ये, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित तो व्यक्ति हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन 14 का, इन्होंने जो है किस पर बम फेंका था, तो याद रखिए आंसर है लॉर्ड हॉर्डिंग्स। निम्न में से किसे अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसे दी? जसवंत सिंह को, राय सिंह को, मान सिंह को या राज सिंह को? तो आंसर जो राइट है वह है सी ऑप्शन, मानसिंह। बीजक किसके द्वारा रचित है? सूरदास, तुलसीदास, रविदास या कबीर? बीजक किसके द्वारा रचित है? इतनी अच्छी तैयारी जो है वो आपकी नहीं हो सकती थी, यहां पर आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। उसकी वजह क्या है? क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको जो भी चीज बताई जाती है वो आप याद करके आते हो, क्योंकि अब जो टाइम है इसमें सभी बुक्स को पढ़ना जो है इतना आसान नहीं है। 6 से 10 तक की आरबीएससी की पूरी पढ़ना, हमारा राजस्थान की 6 से 10 तक की बुक को पूरा पढ़ना, इतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी हैं आपके पास, उनको भी आपको करना होगा। तो क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत सरल तरीका होता है, क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है उस पर हम गौर करते हैं, जो कि हम चैप्टर में भी नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कबीर। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 31 मई 1857 को,
10 मई 1857 को, 28 मई 1857 को या 10 जून 1857 को? तो क्वेश्चन 17 का देखिए सही आंसर सभी ने लगाया है, यहाँ रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 31 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट होनी थी लेकिन समय से पहले ही स्टार्ट हो गई 10 मई 1857 को। 28 मई 1857 तो यहाँ राजस्थान में क्रांति जो है नसीराबाद से प्रारंभ होती है इस डेट को। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो चित्रकला प्रेमी कौन था मुगल काल में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट देखें, हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित असत्य कथन चुने। देखिए लास्ट 2 सालों से मैं ये देख रही हूँ, जब भी मतलब एग्जाम हुआ है 2018 में चाहे लास्ट ईयर हुआ है, तो हल्दीघाटी से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर असत्य कथन चुने, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया, इतिहासकार बंदायूनी इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, हकीम खां सूर प्रताप की सेना में शामिल था, युद्ध में हरावल दस्ते का नेतृत्व शेखावतों द्वारा किया गया। तो चारों ही ऑप्शन जो है वो हमें एग्जाम में सही लगते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा है तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर गया होगा पढ़ते ही कि कौन सा गलत बोल रहा है। ठीक है, कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत कह रहा है। तो ऑप्शन ए जो है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया, बिल्कुल 1576 में ही लड़ा गया। इतिहासकार बंदायूनी इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, बिल्कुल सही है। हकीम खां सूर जो है महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थे, बिल्कुल शामिल थे। ठीक है, डी ऑप्शन है, युद्ध में हरावल दस्ते का नेतृत्व जो है शेखावतों द्वारा किया गया, ये लाइन जो है वो गलत है, क्योंकि हरावल दस्ते का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे, चूंडावत कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी रहेगा इसका सही, कि ये लाइन जो है वो गलत कही गई है। कौन सा सुमेलित नहीं है, रानी अवंतीबाई फैजाबाद, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह बिहार, नाना साहेब कानपुर? तो 1857 की क्रांति से है ये क्वेश्चन, तो यही एनसीईआरटी में है और यही आरबीएससी में है। ठीक है, चैप्टर मैंने सभी पढ़े हैं और कई बार पढ़ लिए हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आरबीएससी की बुक जो है बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, राजस्थान का जीके बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाला है। ये जो आपका भर्ती का पेपर होगा 3rd ग्रेड का, तो वहाँ आपकी ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा काम आएंगी जब आपको बहुत सरल लगेगा। तो इसका सही आंसर होगा रानी अवंती बाई। ठीक है, ये सही आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, कुंवर सिंह बिहार से थे, नाना साहेब कानपुर से थे, और अवंती बाई जो है ये कहाँ से थी, मांडला यूपी से थी। पेरियार के नाम से कौन जाने जाते थे? पेरियार के नाम से कौन जाने जाते थे? दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, ईवी रामास्वामी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर? थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि अभी हमें 20 क्वेश्चन और करने हैं। तो पेरियार के नाम से कौन जाने जाते थे, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, फटाफट लगाना है, क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। तो बिल्कुल क्वेश्चन 21 का सही रहेगा, ईवी रामा स्वामी। गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? एनी बेसेंट, गोविंद गिरी, ज्योतिबा फूले या सावित्री बाई फूले? तो जो भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं चैप्टर्स के, एक एक चैप्टर में मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो है आपको इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा जो है याद कर सकें और भरपूर फायदा उठा सकें जो भी चीज़ मेरे द्वारा दी जा रही है। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता हैं ज्योतिबा फूले।
लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? बिहार से किया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, ठीक है, लक्ष्मीबाई ने। तात्या टोपे ग्वालियर से, और बेगम हजरत महल ये लखनऊ से करती हैं नेतृत्व। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड वैलेजली या लॉर्ड हेडिंग्स? तो चाहे कहें कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या पहले वायसराय, तो वो भी यही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान जो है ये गवर्नर जनरल रहे थे। तो यहाँ पर आंसर रहेगा लॉर्ड केनिंग, ठीक है। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध गांधी जी से नहीं था? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो गांधी जी का संबंध इनमें से किससे नहीं था? तो यूनिट में जो टॉपिक आपके दिया हुआ है 1885 से 1947 तक का आपको पढ़ना है, तो उसी में से ये क्वेश्चन जो है लिया है कि गांधी जी का संबंध इनमें से किससे नहीं रहा। तो आंसर रहेगा स्वदेशी आंदोलन से, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन सभी से संबंधित थे गांधी जी। 1857 ईस्वी का भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर सीक्वेंस आपको बताना है कि 1857 ईस्वी का भारत में जो विद्रोह हुआ तो वह कहाँ कहाँ हुआ, क्रम से बताना है कि सबसे पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, लखनऊ, कानपुर, बैरकपुर या मेरठ। तो क्वेश्चन 26 का जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहेगा सबसे पहले आंसर देखें 3, 4, 1, 2, यानी पहले जो है बैरकपुर छावनी में विद्रोह होता है, फिर मेरठ में होता है, उसके बाद लखनऊ में और फिर कानपुर में। गोद निषेध नीति किसने चलाई? लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में, लॉर्ड वैलेजली ने 1856 में, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन 27, गोद निषेध नीति किसने चलाई? तो सही आंसर जो है वह है 27 का लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने 1848 में गोद निषेध नीति चलाई थी, लॉर्ड वैलेजली के द्वारा सहायक संधि चलाई गई थी, ठीक है, सहायक संधि की नीति। शेख निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह स्थित है अजमेर में, आगरा में, दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी में? बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन 28 का आंसर। शेख निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह स्थित है अजमेर में, आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में? तो इनका सही आंसर है क्वेश्चन 28 का आपने लगा लिया दिल्ली। तो याद रखना है आपको कि शेख निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है, और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अवध राज्य की 1722 ईस्वी में स्थापना किसने की? तो अवध राज्य की स्थापना 1722 में हुई थी। किसने की? मुर्शिद कुली खाने, शहादत खाने, अली वर्दी खाने या शौकत खाने?
तो देखिए सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपने आरबीएससी की ही क्वेश्चन आंसर सीरीज में पढ़े हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी वही चीज़ थी, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्योंकि आपने चैप्टर जो है आरबीएससी से ही पढ़े हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चन है इसी तरीके के कि अवध राज्य की 1722 ईस्वी में स्थापना किसने की। आंसर है इसका शहादत खां। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या बख्तियार काकी? तो क्वेश्चन 30 का लगाइए, फटाफट से लगाते चले जाइए। कमेंट देखिए मैं सभी के देखती हूँ और सभी को रिप्लाई भी मिलता है। तो यहाँ आंसर है निजामुद्दीन ओलिया। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ? 1303, 1301, 1305 और 1308। तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार कब हुआ? चित्तौड़ पर आक्रमण का आपको याद रखना है, जालौर पर आक्रमण का याद रखना है, रणथंबोर पर आक्रमण का याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए थे, कौन सा उस वक्त जो है शासक था वहाँ पर, ठीक है, और सन याद रखनी है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर जो रहेगा क्वेश्चन 31 का, जितनी भी डेट हैं ये 1303, 1301, 1305, 1308, तो इन सभी डेट में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आक्रमण करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ 1303 में। तो यहाँ पर रावल रतन सिंह थे रावल शाखा के अंतिम शासक, तो उनको जो है जहाँ पर रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर होता है, ठीक है, केसरिया होता है, तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार जो है 1303 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट देखें, अमीर खुसरो की मजार किस सूफी संत की मजार के पास है? शेख हमीउद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। यानी अमीर खुसरो ने अपना गुरु किसको बनाया था? अमीर खुसरो की मजार जो है किस सूफी संत की मजार पर है? तो ये दोनों के आंसर एक ही रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा निजामुद्दीन औलिया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी हैं। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, श्री राजगोपालाचारी और सुभाष चंद्र बोस ने? तो जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो उन्होंने सभी क्वेश्चन सही किए होंगे, 33 के 33। देखिए देखिए अगली जो यूनिट है, यूनिट 4 जो होगी उसके भी मैं आपको चैप्टर बता दूंगी, तो आप जो है बिल्कुल भी ऐसे टेंशन में ना आए, परेशान ना हो, कि जो है हमें जल्दी से फटाफट से चैप्टर आप बता दें, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर जितना भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए यहाँ पर काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। चोरा चोरी कांड 1922 में कहाँ हुआ? गोरखपुर में, बदायूं में, गाजियाबाद में, बलिया में? मेरा उद्देश्य आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन आंसर लर्न करवाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कठिन कठिन जो है क्वेश्चन जो है वो आपको करवा दिए जाएं और मैं आपको बोलूं इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप परेशान हो जाओगे, और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे भी नहीं। क्वेश्चन आपके इन बुक से ही आएंगे और इन बुक्स को ही मैं आपको करवा रही हूँ। तो इसका सही आंसर होगा गोरखपुर। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत दरियाद ने, संत हरिदास ने, संत रामदास ने या संत रामचरण ने? तो जिसने अभी कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर दिया होगा उसको भी पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके पूछा था, संत दरियाद जी का पूछा था। ठीक है, तो इसीलिए बार बार कहती हूँ, कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं राजस्थान में तो आरबीएससी की, हमारा राजस्थान की बुक जो है वो पढ़कर जाइए। बिल्कुल सही आंसर रहेगा संत रामचरण।
कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व घटी? असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, सांप्रदायिक अवार्ड या साइमन कमीशन का आना? कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले घटी थी? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर रहेगा रोलेट एक्ट। ठीक है, इसके बाद ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। संत दादू दयाल कौन सी धारा के समर्थक थे? निर्गुण धारा के समर्थक, सगुण धारा के समर्थक, उपरोक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 37 का सही आंसर क्या रहेगा कि संत दादू दयाल कौन सी धारा के समर्थक थे? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्गुण धारा के। यानी मूर्ति पूजा में जिनको बिलीव नहीं होता है तो वो निर्गुण धारा के समर्थक होते हैं। सर टॉमस मुंड्रो का भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त से, महलवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त या कोई नहीं? सर टॉमस मुंड्रो का भू राजस्व बंदोबस्त, इनमें से किससे संबंधित हैं ये? तो सोचिए क्या रहेगा इसका सही उत्तर। तो बिल्कुल क्वेश्चन 38 का आंसर है रेतवाड़ी बंदोबस्त। हमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? नयन जन सूरी, हमीर सिसोदिया, जोधराज या हमीर देव चौहान? तो जो नई वाली बुक है आपकी राजस्थान की जीके की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, आरबीएससी में भी ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसके द्वारा रचित है आपको नाम याद है तो आप सही कर पाओगे, जोधराज के द्वारा। भगवान विट्ठल स्थानीय देवता के रूप में कहाँ पूजे जाते हैं? गोकर्ण कर्नाटक, पंडरपुर महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। भगवान विट्ठल स्थानीय देवता के रूप में कहाँ पूजे जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन में से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, तो कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, सभी में से क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको पता लग सके कि जो भी टॉपिक जो है आपके यूनिट 3 में दिए गए हैं और उससे संबंधित जो चैप्टर आपने आरबीएससी से पढ़े हैं तो कितने आप सही कर पा रहे हो। देखिए पढ़कर आपको पूरा जाना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा पंडरपुर महाराष्ट्र। अब आप बताइएगा 40 में से कितने आपने सही किए हैं, सभी के कमेंट में देखूंगी और रिप्लाई भी सभी को मिलता है। तो चलिए यूनिट 3 तक जो है वो आपकी तैयारी पूरी हो गई है, नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट 4। तब तक तैयारी और करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।